इस वक्त केदारनाथ में मौसम बहुत बेकार है और ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा बर्फबारी, बारिश भी हो रही है लगातार। तो इस समय हम रुके हैं रामबाड़ा में, जो जितने भी जाते थे कुछ कहीं रुके हैं, 10 बंदे हम यहाँ पे रुके हैं, 5 एक जगह रुके हैं, तो सब अलग अलग जगह है क्योंकि सारे आगे पीछे बरसात होती है। और सभी लोगों के मैंने जितने मेरे साथ के थे उनको तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है, जैसे कि मेरे पीछे लेटे हुए हैं ठीक है ना, और कुछ दो ये लेटे हुए हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? तो इस सुबह के पहले 5 और मैं हूँ रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में दिन इस समय निकल चुका है, बहुत मस्त व्यू आ रहा है सामने का। देखो मुझे ऐसा लग रहा है सामने काले बादल है, बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं, मौसम साफ है। तो इस समय मैं रुद्रप्रयाग में हूँ और आपको देखा कितना मस्त व्यू है ना। तो आज मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि सुबह से उठ के वैसे मैं नहा लेता हूँ, तो मैं नहाया हूँ क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो मैं मुँह धो लिया, अपना ब्रश कर लिया, मुँह धो लिया। तो सभी लोग यात्री जितने भी हमारे साथ में वो सभी तैयार हो रहे हैं, जिसको नहाना है वो नहा रहा है ठंडे पानी में, जिसको नहीं नहाना वो सिर्फ मुँह धो के काम चला रहा है, कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सीधा हम यहाँ से निकले रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर की दूर पर। रात को मैंने यहीं पर स्टे ले लिया क्योंकि रात को पहाड़ों में चलते नहीं है। चले सब यहाँ से नीचे निकल रहे हैं, ये देखो अभी वो तो कहाँ जा रहा, तू भी मत जाओ। तो अभी ड्राइवर भी उठा नहीं है मेरे ख्याल से। चले तो सब रेडी हो गया भाई, तो ये था वो पूरा का पूरा हॉल जो हमने ले लिया था रात में ठीक है, 4000 रुपये पर रेंट पे हमने ये रूम लिया यहाँ पे। सोने जी चले चले, ब्लॉग में मैंने तुमको भी ले लिया। चलो अभी चलते हैं बस में सामान रखने के लिए, और ड्राइवर साहब भी मेरे ख्याल से उठ ही गए होंगे। भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? शूट हो रहा है भैया। हेलो, सेल्फी चल रही है हर जगह, पहाड़ों में पूरी जगह घूमने की है भाई, सेल्फी लेते हो इतनी मर्जी। आगू आगू काकू 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 छोटी सफाई चल रही है। बस रेडी हो चुकी है हमारी तो चलने के लिए, तो एक दो व्यक्ति रह गए जो ऊपर फ्रेश फ्रुश हो रहे हैं, मतलब रात लेट उठे तो अभी फ्रेश हो रहे हुए, तो लोग आए हैं। तो उसके बाद सीधे यहाँ से बस निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए। तो अभी सभी व्यक्ति आ गए हैं जितने भी आते हैं हमारे साथ के हैं। तो ड्राइवर साहब भी उठ के देखो, ड्राइवर साहब मुँह धो रहे हैं अपने यहाँ पे, कि देखो ड्राइवर साहब मुँह धो रहे हैं अपने यहाँ पे, एक सफाई कर रहे हैं, एक अपनी सफाई कर रहा है। क्या हो गया, क्या होगा मेरे बेटू, क्या होगी, नहीं मारा किसने, नहीं मारा, अभी चल ले बस चल ले, भी डाल दो ना बस, आगे भी छोड़ी अपनी। चलो भाई चलो चलो भाई, सबके अपने अपने नग आ गए ना, कोई कब छुटा तो नहीं नीचे नग, मेरा तो मेरी गोद में है।
भाई सभी आते हो ना, चाय नाश्ता कर लिया ना, कोई रहता तो नहीं ना, हो गया सबका हो गया। नितिन भाई चलो फटाफट चलो, जा रहे अभी बुला के लाओ। तो भाई सभी ने चाय नाश्ता कर लिया, यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए सब रुके थे यहाँ पे। आराम से आना, आराम से रुको, आराम से। जय भोले की। तो गाइस अब हम सीतापुर पार्किंग से जा रहे हैं गोरीकुंड के लिए। तो यहाँ से हमारे जो जो बैग थे ऊपर ले जाने के लिए वो हमने सब अपने साथ में ले लिए, और पीछे कार आ रही है, बहुत परेशान कर रही है। पाँ 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 पहले इसको रास्ता दे दो, आ जा भाई आ जा। तो जितने भी साथ हमारे व्यक्ति हैं वो सब साथ में हैं, सब मेरे पीछे हैं। ये देखो सब आते लाते चलो, प्रकाश साड़ी वालों। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे पार्किंग है। उठा लो उठा लो, जय बोलेगी। हर हर महादेव। पौन घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, और अभी भी पता नहीं कितनी भीड़ है, कितनी दूर तक अभी और लाइन लगी हुई है। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है तो QR कोड स्कैन होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे आगे एंट्री नहीं दी जाएगी। विभू क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है? तो भाई देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, और पीछे भी है, पीछे ही बहुत लंबी लाइन है। मतलब 1.5 घंटे हो गए लाइन में खड़े खड़े, आधे तो थक भी गए। जिसके हाथ में बच्चा है वो भी थक गया, और जिसके पास नहीं है वो भी थक गया। हाथ हिला दो भाई, उपकार बसवा लो। तो भाई जितने हाथ हिलाए सब अपने यात्री है। हाथ उठाओ, आधा घंटा लगे। आओ जय हो जान टाइम भाई साहब 12:30 वैसे सुबह जल्दी निकलने से धीरे धीरे काम सारे ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड अब हमें टैक्सी में, और सोन प्रयाग में 2 घंटे खड़े होने के बाद अब जाकर के हमें टैक्सी मिली है गोरीकुंड जाने के लिए। तो गोरीकुंड यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ से गोरीकुंड जाने में। हाँ पापा अभी भैया, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे गोरीकुंड जाने में। और सफ़र कैसा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और मौसम भी बरसात का इस वक्त हो ही गया है, और जो से ज़्यादा मौसम हो गया बारिश का। चलो चलो थोड़ा साइड में भी चलो।
डियर चौक पे। तो इस वक्त केदारनाथ में मौसम बहुत बेकार है और ऊपर हो रही है बहुत ज़्यादा बर्फबारी, बारिश भी हो रही है लगातार। तो इस समय हम रुके हैं रामबाड़ा में, जो जितने भी जाते थे कुछ कहीं रुके हैं, 10 बंदे हम यहाँ पे रुके हैं, 5 एक जगह रुके हैं, तो सब अलग अलग जगह है क्योंकि सारे आगे पीछे बरसात होती है। और सभी लोगों के मैंने जितने मेरे साथ के थे उनको तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है, जैसे कि मेरे पीछे लेटे हुए हैं ठीक है ना, और कुछ दो ये लेटे हुए हैं, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। तो बीबू भी सो ही गया है बेचारा, पूरे दिन सफ़र किया बेचारे ने, बहुत साथ दिया, पैदल भी चला, मैं गोद में भी लिया इसको। और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो देखते हैं सुबह कितने बजे निकलना है, 6 बजे निकले, 5 बजे निकले, बाकी वक्त का भी कुछ पता नहीं, लेकिन फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, बाकी देखते हैं। और ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हो रही है, मैं उसे देख रहा हूँ आप कैसे बाप निकल लिया। हम लोगों का फर्स्ट टाइम है जो हम रामबाड़ा में रुके हैं, वरना हम सीधा केदारनाथ ही रुकते हैं। और सुबह हम लेट चले भी थे, मतलब 11 बजे हम लाइन में लगे और गोरीकुंड में, जहाँ से हमने टैक्सी ले ली है गोरीकुंड के लिए ब्रिज से, तो 202 और वहाँ पे भी काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था टैक्सी में, आपको वीडियो आपको मिल ही जाएगी, इतना जाना वहाँ से उतर के हमें पैदल जाना पड़ा। और इतनी भीड़ है, इतना श्रद्धालु इस वक्त केदारनाथ में मौजूद है, बहुत श्रद्धालु केदारनाथ में मौजूद है इस वक्त। तो फ्रेंड आज है केदारनाथ में हमारा दूसरा दिन, तो कल हमने चढ़ाई शुरू की थी 1:30 बजे, हाँ कल 1:30 बजे हमने चढ़ाई शुरू की थी, और रात को 9 बजे समथिंग हम रामबाड़ा पहुँचे थे। रामबाड़ा में हमने स्टे लिया रातों की, क्योंकि सभी थक गए थे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर। हाँ, और अब सुबह के बजे 5:30 और हम निकल चुके हैं केदारनाथ बाबा की यात्रा के लिए। सभी लोग निकल चुके हैं, सभी लोग मतलब कि कोई आगे था कोई पीछे था,